नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज थर्सडे 25 मार्च। सबसे पहले शनिवार को हम एक वेबिनार रख रहे हैं चेन्नई आउटलुक के ऊपर, जहां पे हम देखेंगे चेन्नई का क्या ओवरऑल आउटलुक है, जिस ढंग से हमने प्राइस मूवमेंट हम बातें भी देखा, साथ में फार्मर्स, ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट सभी के लिए हेजिंग अपॉर्चुनिटी कैसे है हम रख सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो शनिवार को करीबन 12:10 ये सेशन रहेगा। आप अगर इस वेबिनार में अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक और नंबर पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहीं अगर हम कल के सेशन की अगर बात करें तो कल के सेशन के अंदर हमने एग्री डेस्क के अंदर 1% की गिरावट आते हुए देखी और पूरे ही एग्री पैक के अंदर हमने काफी बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। खाली सोयाबीन की अगर हम बात करें तो लोअर लेवल से हमने प्राइजेस को एक रिकवर होते हुए देखे 1% से, बाकी सभी कमोडिटीज के अंदर हमने एक बड़ी गिरावट बनते हुए देखी है। आज के सेशन की भी अगर हम बात करें तो मार्केट मिला जुला रहेगा, बट लोअर लेवल से बाइंग फिर से लौटती हुई दिखाई देगी, खास करके सोयाबीन में, जहां पे कल हमने सोयाबीन में शॉर्ट कवरिंग देखी। इंटरनेशनल फैक्टर्स भी सपोर्टिव है, जहां चाइना के सोयाबीन इंपोर्ट जो बताया जा रहा है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच जाता है, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट टाइट है, उसका एक सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए सोयाबीन लेके चलिए 5780 से लेकर 5820 के टारगेट के लिए। सोया रिफाइन में भी तेजी रहेगा, 1280 पे लेके चलिए, 1300 तक का एक पुल बैक देखने मिल जाएगा। मस्टर्ड में अराइवल के चलते प्रेशर बन सकता है, लेकिन अगर प्राइस 5650 के ऊपर होल्ड है तो 5850 से 5900 के टारगेट के लिए मस्टर्ड अप्रैल वायदा भी लेके चल सकते हैं। कैस्ट्रो में बड़ी तेजी के बाद मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, अगर प्राइसेस 4800 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता है तो हमें लगता है आज के सेशन में भी हम 4860 से लेकर 4880 तक के लेवल हम कैस्ट्रो में देख पाएंगे। मसालों के अंदर हमने काफी बड़ी गिरावट आती हुई देखी, खास करके हल्दी की अगर बात करें तो जिस दिन से सेंट्रल ने मना कर दिया है कि टर्मरिक बोर्ड का कोई गठन नहीं होगा, ऑलरेडी स्पाइस बोर्ड का गठन हो चुका है और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसके बाद सेंटिमेंट थोड़ा खराब जरूर हुआ है। अनलेस एंड अंटिल प्राइसेस 8200 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, प्राइसेस में दबाव रह सकता है जो 7600 तक का भी सपोर्ट दिखा दे। वहीं जीरे की बात करें, आवक के चलते प्राइसेस में दबाव जरूर है और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बना हुआ है 15000 का। जब तक प्राइसेस 15000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 14600 से 15000 के बीच में ही जीरा ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर धनिया की बात करें, कल की बड़ी गिरावट के बाद आज हमें लगता है प्राइसेस में एक रिकवरी देखने मिल सकती है, जो 6900 से लेकर 7200 का एक दायरा रहेगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, मंडियां आज और कल मैक्सिमम खुली रहेगी, इसके बाद होली और फाइनेंशियल न्यू ईयर के चलते पूरे हफ्ते में मार्केट बंद रहेगा और 2 अप्रैल को जाके खुलेगा, जिसके चलते पूरे ही एग्री पैक के अंदर हम लोअर लेवल से एक बाइंग आते हुए देख पाएंगे। तो खास करके धनिया में आज बाइंग करके चलिए 7100 से 7180 के टारगेट के लिए। वहीं चेन्नई में भी 4900 के ऊपर बाय करके चलिए, 5040 का लेवल तोड़ेगा तो हम बड़ी तेजी देख पाएंगे, नहीं तो मार्केट 5040 से लेकर 4900 के बीच में ही ट्रेड करेगा। कॉटन सीड ऑयल केक में आज दबाव रहेगा, 2340 के टारगेट के लिए बेच के चलिए। गवार सीड गवार दम साइडवे टू पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। सीपीओ में भी आज बाइंग की जा सकती है, जो 1150 के टारगेट के लिए हम लेके काम कर सकते हैं। कॉटन में दबाव रहेगा जो 20600 से 20700 तक का लेवल दिखा सकता है। चार्ट के लिए मेंथा ऑयल में दबाव बना हुआ है, जब तक प्राइसेस 960 के ऊपर नहीं निकलता दबाव रहेगा, जो 930 तक के भी सपोर्ट देख सकते हैं। चेन्नई के अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जरूर बना हुआ है, अगर प्राइसेस ने वीकली बेस पे 4900 के नीचे निकल जाता है तो जरूर हम एक गिरावट देख पाएंगे, अदरवाइज प्राइसेस में रिकवरी वापस देखने मिल सकती है और 5040 का लेवल तोड़ने पे हम वापस रिकवरी देख पाएंगे। अदरवाइज मार्केट आज और कल का दिन चेन्नई के लिए मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन रहेगा। धनिया में मार्केट बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है 6800 का, जब तक 6800 का लेवल ब्रीच नहीं करता है पॉसिबिलिटी हम 7180 से लेकर 7500 का भी लेवल देख पाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रख के हम इस दोनों कमोडिटी में ट्रेड करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।